नमस्कार, मैं विशाल कालरा और राम वर्मा दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जिंदगी जियो जी भर। और इस कार्यक्रम का एक बहुत खास मकसद भी है, मकसद है आपकी उन प्रॉब्लम्स, उन चुनौतियों, उन समस्याओं का समाधान करना जो आपके दिल की गहराइयों में, जो आपको परेशान तो बहुत करती है लेकिन उनका सल्यूशन, उनका समाधान कैसे होगा ये आप समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये बहुत खास मिशन के साथ शुरू किया गया है आपकी ऐसी ही प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए। इसका पार्ट वन आज आप देख रहे हैं और हमारा वादा है कि समय समय पर आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इसी कार्यक्रम के जरिए मिलेगा। और स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं एक ईमेल आईडी, ये वही ईमेल आईडी है जिस पर आपको अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाना है। और हमारा ये वादा है कि राम वर्मा सर के जरिए आपकी उन परेशानियों का सॉल्यूशन इसी कार्यक्रम जिसका नाम है जिंदगी जियो जी भर, इसमें हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं और एक बेहद खास मुद्दा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन पहले राम सर इजाजत है आपकी, शुरुआत की जाए। जी, मैं सभी का स्वागत करता हूं, नमस्कार। और इस पहल से हम सभी लोगों को यकीन दिलाते हैं कि आपकी जितनी भी कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं या चैलेंजेस होते हैं, विशाल जी के साथ में उन समस्याओं का आपको समाधान दे रहा हूँ अपने दिल से, आप लीजिएगा जरूर। शुरुआत कर सकते हैं विशाल जी। तो राम जी, आज की जो पहली समस्या हमने ली है वो आजकल की यंग जनरेशन, आज के यूथ से जुड़ी हुई है। एक ऐसी समस्या है जिससे यूथ डिप्रेशन में जा रहा है, स्ट्रेस में जा रहा है, एंजाइटी में जा रहा है, रिश्तों में दरार पड़ रही है और यहां तक कि एडिक्शन का भी कारण बन रहा है। हाल ही में एक केस सामने आया युवती का जो डिप्रेशन में है और उसकी वजह एक खास तरह की परेशानी है जिसके बारे में मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उस बीमारी से जूझ तो बहुत से लोग रहे हैं, उस समस्या से जूझ तो बहुत से लोग रहे हैं, लेकिन उसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। और इस समस्या का नाम है नेगेटिव बॉडी इमेज। सबसे पहले तो ये होता क्या है, नेगेटिव बॉडी इमेज क्या है? विशाल जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज हमारे नवयुवकों में और युवतियों में भी। बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ही बॉडी को लाइक नहीं करते, यानी कि अपने लुक को लाइक नहीं करते, अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को लाइक नहीं करते, अपनी हाइट को लाइक नहीं करते, कई बार हम अपने कॉम्प्लेक्शन को लाइक नहीं करते, या हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं लाइक, हमारी नाक है, कान है, आँखें, इन्हें हम ये मानते हैं कि ये वैसी नहीं है जैसी मुझे चाहिए थी, और हम एक प्रकार के विशेष कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। और ऐसे में बेसिकली हम अपने ही आप को दिखाने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन अंदर हम अपने आप से ही कहीं खुश नहीं रहते। और एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि NLP यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की भाषा में मैं कह सकता हूँ कि हम अपने ही शरीर के साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं, एक रिश्ता नहीं बना पाते हैं, इसे हम नेगेटिव बॉडी इमेज कहते हैं। इसका मेन कारण क्या है, इसके होने की वजह क्या है? ये बेसिकली विशाल जी आप यूं समझिए कि जब हम पैदा होते हैं तो हम एक हमारे पास एक शरीर होता है और एक माइंड होता है, शरीर को चलाने के लिए कोई विचार खास नहीं होते हमारे पास। धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं जिनको हम ब्रेन सेल्स कहते हैं, इनमें एक मेमोरी होती है। अगर हमारे पास 80 बिलियन ब्रेन सेल हैं तो हर एक ब्रेन सेल की एक मेमोरी है करीब 82 GB, और वो खाली पड़ी होती है। और वो जब शुरू के दिन होते हैं ना हमारे चाइल्डहुड के, तो उस समय हमारे पास लॉजिक नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता, कोई हमारे पास रीजनिंग नहीं होती, बस एक मेमोरी होती है। जो भी हमें कोई कुछ कह देता है हम उस मेमोरी को परमानेंट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास लॉजिक नहीं होता। लॉजिक होता है 16 17 18 साल के बाद लॉजिक आना शुरू होता है। तो जब हम बचपन में होते हैं तो कई बार प्यार से कोई कह देता है अरे तो यार छोटा रह गया है, उनकी इंटेंशन गलत नहीं होती। ये इसलिए होता है विशाल जी कि जब कभी भी हमें बचपन में कोई भी नेगेटिव रेफरेंस मिला है, कभी ऐसा कहा गया है कि देखो तुम्हारा भाई तो कितना सुंदर लगता है, तू खूबसूरत नहीं है, तू छोटा रह गया है, तू छोटू बन गया है, यानी कि कई बार हमारे जो कॉम्प्लेक्शन के ऊपर या हमारी हाइट के ऊपर, हमारे लुक के ऊपर हमें ये बता दिया जाता है कि आई एम नॉट ओके। जब हमें ये बताया जाता है आई एम नॉट ओके तो धीरे धीरे ये रेफरेंस हमें कहीं और से भी मिलना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी हीरो को देखते हैं मूवी में जाकर, किसी मॉडल को देखते हैं,
फिर हम इमीडिएटली हम ये सोचते हैं कि मैं वैसा नहीं हूं, या फिर हमें ये लगता है कि मेरा सिबलिंग यानी कि मेरी भाई या मेरा बहन, मेरी बहन जो है वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, और जो एक कंपैरिजन चलता रहता है तो हमारे दिमाग के अंदर लगातार एक अनुभव, एक रेफरेंस या एक तजुर्बा आता रहता है कि मेरे से और लोग बेहतर हैं एंड आई एम नॉट ओके। यहाँ पर गलती कई बार हमारी सोसाइटी की होती है, और उससे भी बड़ी गलती विशाल जी मैं अगर कहूँ तो पेरेंट्स की होती है, और हमारे जो नेगेटिव रिलेटिव्स हैं उनकी होती है। इंटेंशन उनकी गलत नहीं होती लेकिन गलती बहुत बड़ी कर देते हैं। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि भाई जब आप पेरेंटिंग करें तो ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि आप यूं समझिए कि बच्चा अब बड़ा हो रहा है, 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, उसकी मेमोरी बड़ी तेजी से भरती जा रही है चीजों को। अगर आप, मैं कहूं कि 6 साल की 7 साल की उम्र तक आप बाकी चीजों जितनी भी चारों तरफ आपके चीजें हैं आप उन्हें मेमोराइज कर लेते हैं, तो ऐसे में अगर आपने कोई भी रेफरेंस यानी ये कोई भी एक्सपीरियंस या कोई किसी की बात या कोई किसी का स्टेटमेंट ये मेमोराइज कर लिया कि आई एम नॉट ओके, बस यही हमारी जड़ बन जाती है, और इसी यही कारण आगे चलते 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 यहां तक बढ़ जाता है विशाल जी के हम अपने ही शरीर को लाइक नहीं करते। और जब भी हम अपने शरीर को देखते हैं इससे एक बड़ी गड़बड़ ये भी होती है कि मान लेते हैं मैं किसी चीज को लाइक नहीं करता और वो बार बार मुझे देखनी पड़ रही है, तो जब भी मैं उसको देखूंगा तो मेरी एक फीलिंग बनेगी डिसलाइकिंग की। तो एक समय आता है जब हमारी बॉडी को हम बार बार देखते हैं, मिरर में देखते हैं, बाथरूम में देखते हैं, नहाते हुए देखते हैं, तो हम यही कहते हैं आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट ओके, और एक रिश्ता बिल्कुल ही हमारा बॉडी के साथ एक निगेटिव रिश्ता बन जाता है, यही हमारे डिप्रेशन का कारण बनता है। इसका नुकसान क्या क्या हो सकता है? और इसी के साथ मैं एक और सवाल जोड़ रहा हूं कि सोशल मीडिया का रोल इसमें कितना बड़ा है, क्योंकि आजकल के बच्चों को तो बड़ी छोटी सी उम्र में सोशल मीडिया स्मार्टफोन दे दिए जाते हैं, और उसमें जिन लोगों को आप देखते हैं उन्हें देखकर आप लगातार ये सोचते हैं कि मैं इनके जैसा क्यों नहीं दिखता। एग्जैक्टली विशाल जी, ये बिल्कुल आपकी जो ऑब्जर्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, अब जब से हमें एक रेफरेंस मिल गया अगर किसी बच्चे को कि मैं ओके नहीं हूं, तो इसके नुकसान पहले तो मैं बता देता हूं। पहला नुकसान तो यही है कि द मोमेंट यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे ही आप सुबह उठते हैं अपने आप को देखते हैं पहली बार में ही आपको ये लगता है कि आई एम नॉट दैट पर्सन व्हाट या हु आई शुड बी, मैं वो आदमी तो हुई नहीं जो मुझे होना चाहिए था, यानी कि मेरे अंदर एक इनर कंफ्लिक्ट चल रहा है खुद के साथ ही, यानी कि मैं जिंदा भी हूं और अपने आप को लाइक भी नहीं कर रहा हूं। इससे मेरा खुद के साथ रिश्ता गायब हो जाता है, और ये जो रिश्ता गायब है इसी को हम डिसओरिएंटेशन कहते हैं। जब मैं अपने आप में खुश नहीं हूं, अब मुझे पहला काम करना पड़ रहा है अपनी हेल्थ के लिए। अब मेरी हेल्थ कैसे ठीक रहेगी जब मैं खुद को देखकर ही अपनी ग्लैंड्स को, अपने न्यूरोट्रांसमीटर को यानी कि अपने पॉजिटिव या निगेटिव केमिकल्स को डिफाइन कर रहा हूं, मैं अपने अंदर खुश ही नहीं हूं। पहला नुकसान हमें बॉडी नुकसान होता है अपनी हेल्थ का। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। हम लोग जो भी लोग बीमार पड़ते हैं और वो ऐसी बीमारी के साथ नाता जोड़ लेते हैं जो ला इलाज है, विशाल जी इन लोगों के बारे में एक बहुत बड़े, मैं स्पीकर को, डॉक्टर को या हीलर को सुन रहा था, उनको आप भी जानते हैं, उनका नाम है डॉक्टर दीपक चोपड़ा, बहुत ही बड़ा नाम है उनका पूरे विश्व में। तो उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग बीमार इसलिए हैं बिकॉज दे आर सेल्फ हेटर, वो खुद को ही नफरत करते हैं कहीं अंदर खाने, बिकॉज हम अपने आप को प्यार ही नहीं कर रहे हैं जब दिखाने के लिए प्यार कर रहे हैं। यहां से दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट शुरू हो जाती है, और वो हो जाती है हमारी जो है एक जो हमारी ऑथेंटिक सेल्फ इमेज है, जो जेन्युइन है, जो हमें दी गई थी, वो तो मरने लगती है और हम एक फॉल्स सेल्फ इमेज के साथ जिंदा रहते हैं, और उसको हम ईगो कहते हैं। फिर हम पजेशन क्रिएट करते हैं, देखो मेरे पास बड़ी कार है तुम इससे देखो, मेरे पास बड़ा पैसा है, मेरे ज्यादा गर्लफ्रेंड है, मेरे ज्यादा बॉयफ्रेंड है, मेरे पास बड़ा मोबाइल है, मेरे पास बड़ी कार है। तो ये सारे पजेशन हम अपनी खुशी के लिए नहीं लेते, बल्कि हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि डोंट सी माय बॉडी और डोंट जज मी, जज माय पजेशंस, मेरी जो उपलब्धियां हैं इनको जज करो। तो बेसिकली हम ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं इस पर चलूंगा, फिर से थोड़ा सा जोर दें। आपने कहा जब मैं अपने शरीर से खुश नहीं होता हूं तो मैं पजेशन से इकट्ठी करता हूं, बड़ा मकान बनाता हूं, बड़ी गाड़ी खरीदता हूं, अच्छे फोन, महंगी चीजें खरीदता हूं ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं कि आप मेरी बॉडी को मत देखिए जिससे मैं खुश नहीं हूं, आप इन चीजों को देखिए क्योंकि मैंने ये अचीव कर ली है। तो ये सारा पोजीशन इकट्ठा करने के पीछे का मकसद ये है।
एग्जैक्टली इसीलिए कई बार कहा जाता है कि जो पजेशन है वो दो तरह से लोग लेते हैं, एक है मेरी चॉइस कि मैं इकट्ठा कर रहा हूं और एंजॉय कर रहा हूं, एक मैं कंपल्शन में कर रहा हूं क्योंकि मैं हारा हुआ अपने आप को मान रहा हूं। इसीलिए विशाल जी कई बार कहा जाता है, एक साइकोलॉजी में एक सेंटेंस है, स्मॉलर द सेल्फ इमेज बिगर द ज्वेलरी, यानी कि जितनी बड़ी आप ज्वेलरी पहन रहे हैं ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ इमेज बहुत छोटी है। और ये नुकसान यहीं तक नहीं रुकता है, नुकसान ये रुकता है इवन शादी में भी, रिश्ते में भी। अगर आप किसी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो हर टाइम आपको वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है कि ये मुझे प्रशंसा करे, बार बार प्रशंसा करे। और कई बार ये प्रशंसा का बोध इतना बढ़ जाता है, इसको हम आत्ममुग्धता कहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं नार्सिज्म, ये इतना बढ़ जाता है कि आदमी को ये लगता है कि बस सब लोग मुझे वैलिडेट करें, मैं कहीं जाऊं तो मुझे लाइक करें। और उस लाइक को करने के लिए वो कई बार बहुत सारे गेम खेलते हैं, और ये एक्सट्रीम पर चले जाता है गेम, जैसे डाइटिंग एक्सट्रीम पर चली जाती है। कई बार आप देखेंगे कि आप अपनी बॉडी को बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सट्रीम पर जा रहे हैं आप, एक्सट्रीम पर जा रहे हैं तो आप माइकल जो थे अपने गायक, ठीक है ना, उस सिम्टम्स में मरने लगते हैं कि मेरी नाक का ऑपरेशन होना चाहिए, मेरे गालों का, मेरी होठ ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए, फिर आप सर्जरी कराने लगते हैं एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी विद योर ओन बॉडी। तो ये बहुत सारे नुकसान है, लोगों के साथ आप रिलेट नहीं कर पाते, हमेशा आपको डर रहता है, सोशल एंग्जाइटी हो जाती है कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कोई कुछ नहीं सोच रहा है। और ये सारे नुकसान आपके सभी एरियाज में आने लगते हैं, कोई भी एरिया आप ले लो, पैसे का एरिया ले लो, आप ये कहें कि रिश्तों का एरिया ले लो, खुद की सेल्फ हेल्थ का ले लो, अपनी खुशी का ले लो, यू आर नॉट हैप्पी व्हेन यू आर हैविंग सच एन इश्यू। तो ये सारे नुकसान हमारी लाइफ में होने लगते हैं। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, क्योंकि अब तक जो लोग सुन रहे हैं उन्हें ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इस तरह के सिम्टम्स उन्हें हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या नहीं। तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की, अगर प्रॉब्लम समझ आ ही गई है तो फिर तेजी के साथ इसे सॉल्व करने की तरफ कैसे बढ़ा जाए। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि समाधान देना ही तो हमारा उद्देश्य है इस प्रोग्राम में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम्स या ये लक्षण आप भी फेस कर रहे हैं, या फिर आपके परिवार में किसी युवक को है या युवती को है, तो आप उनके साथ बैठें, या अगर आपके साथ है तो मेरी एक एक बात को ध्यान से सुने। जो चीज मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो डीप साइकोलॉजी से मैंने ली है। इस प्रॉब्लम को जब मैं लोगों को हील करता हूँ, करीब 30 सालों से मैं लोगों को हील कर रहा हूँ न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के द्वारा, तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आपके पास जो पास्ट में कुछ रेफरेंसेस पड़े हैं, जब आपको किसी ने बोला है कि यू आर नॉट ओके, ये हमेशा मिलेंगे आपको। आपको कई बार छोटू कह दिया गया, आपको कई बार कालू कह दिया गया, आपको कई बार मोटू कह दिया गया, और वहां से आपको ये आ गए। तो सबसे पहला काम यह है कि आप उन रेफरेंसेस को पीछे छोड़ना सीखें। देखिए, पास्ट को अगर आप प्रेजेंट में लेकर चल रहे हैं तो अभी आप वर्तमान को यानी कि प्रेजेंट को तो जी ही नहीं रहे, अभी तो आप पास्ट को जी रहे हैं। तो पहली चीज विशाल जी होती है कि हमें अपने उस पास्ट को पीछे छोड़ना होता है। पास्ट को पीछे छोड़ने के लिए एनएलपी में मैं लोगों को एक छोटी सी एक्सरसाइज करने को कहता हूं, जिसको वो कभी भी कर सकते हैं। इमेजिन करो कि वो चाइल्डहुड है, वो बहुत पीछे है आपके, कई बार वो सामने रखा होता है हमारे पास। कई बार जब लोग बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं, तुम नहीं जानते मेरे साथ क्या हुआ, तो इनका पास्ट जो है आंखों के आगे रखा। एक आदमी होता है पास्ट की बात करते हुए पीछे हाथ करता है, तो जो लोग पीछे हाथ करते हैं, याद रखिएगा, वो अपने पास्ट को पीछे रखते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी ने गलत आपके बॉडी के ऊपर रेफरेंस दिए हैं, तो आप उन आवाजों को बहुत पीछे, करीब इमेजिन करो कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पीछे एक माइलस्टोन है और उस पर वो आवाजें आ रही हैं, इतना सा अगर आप विजुअलाइज कर लेंगे आप करीब 2 मिनट के लिए, तो धीरे धीरे आपका माइंड इस कल्पना को वैसा ही फिक्स कर देगा कि मानो वो आवाज 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पीछे से आ रही है। और धीरे धीरे आप उसको म्यूट भी कर सकते हैं, मानो आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है। पहली तो चीज ये है। दूसरी चीज है, यहाँ पर जब आप पास्ट के किसी भी रेफरेंस से बाहर आने शुरू कर देते हैं, तो यहीं से रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है आपके न्यूरॉन्स, अब यानी कि आपकी ब्रेन सेल्स या आपका माइंड धीरे धीरे प्रोग्राम होना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बात है विशाल जी, यहाँ पर एक चीज हमें स्वीकार करनी होगी जो हमें नहीं सिखाई जाती, वो है एक्सेप्टेंस।
बेसिकली आप जैसे हैं वो यूनिक है, आप जैसे हैं यूनिक हैं, आप ऐसा नहीं कहिएगा कि मैं वैसा होता, मेरी नाक इस हीरो जैसी होती, मेरे गाल इस हीरोइन जैसे होते, मेरी चाल इस आदमी जैसी होती तो मैं तब अच्छा होता, नहीं, आप यूनिक हैं। अगर आप वैसे मान लेते, मैं कई बार लोगों से एग्जाम्पल देता हूँ, वो कई बार कहते हैं कि जी मैं ऐसा लगना चाहिए था मैं जैसा ये हीरो है, तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही अगर आप लगने लगे तो आप कौन है, आप इसके डुप्लीकेट ही तो बन गए ना, लेकिन अभी तो आप तो हमें ओरिजिनलिटी को एक्सेप्ट करना नहीं सिखाया जाता इस सोसाइटी में। बेसिकली विशाल जी यहाँ पर गड़बड़ ये होगी कि कुछ चीजें लोग हमें बेचना चाहते हैं, कई बार क्रीम बेचना चाहते हैं, सर्जरी बेचना चाहते हैं, बाल बेचना चाहते हैं, कई बार हमारी स्किन के प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि यू शुड लुक लाइक दिस, और वो रेफरेंस हमारे अंदर आ जाता है, भाई मेरी अपनी आइडेंटिटी है, मैं सब जैसा क्यों दिखूं जब सब अलग दिखते हैं, तो मैं जब सबसे अलग ही दिखूंगा तो वही तो मेरी ब्यूटी है, अब मैं ये क्यों चाहूं कि वो मैं वैसा दिखूं। तो पहली चीज है तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करें कि आप जैसे भी हैं। दूसरी चीज है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक आप लॉजिकली इसको सोल्व करना चाहेंगे तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ये इमोशन में जा चुका है विशाल जी, और इमोशन में जाने के लिए आपको उन इमोशंस को एक बार फिर नए तरीके से ऑडिट करना होगा, उनका एक तरह से मूल्यांकन या आंकलन अलग तरीके से करना होगा। यहां पर मैं अपने सभी साथियों को एक चीज बताना चाहता हूं, आप अपनी बॉडी के रेफरेंस को लेकर अपने आप को अच्छा या खराब ना माने, बॉडी तो आपके लिए एक वैकिल है किसी इस जीवन को जीने के लिए। इस जीवन में जो आपको लोग जानेंगे वो सिर्फ बॉडी से नहीं जानेंगे, याद रखिएगा वो कुछ और है जिससे जानेंगे। तो आप जीवन का एक पर्पस बनाइए, मिशन बनाइए, उस मिशन के ऊपर चलना शुरू करिए। आप अपनी पहचान को अलग तरीके से बनाइए, आपका शरीर आपकी पहचान है ही नहीं, ऑफकोर्स आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड पर जरूर लगता है, आपके पासपोर्ट पर तो जरूर लगता है, लेकिन आपकी पहचान बेसिकली डिफरेंट है। अगर मैं कहता हूं कि मेरा चेहरा कैसा भी हो बट मैं आया मैं स्माइल जनरेटर, मैं लोगों को हंसा सकता हूं, मैं लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, मैं लोगों को एक अच्छा मैसेज दे सकता हूं, तो मेरी पहचान मेरे शरीर से परे चली गई है। उसी तरह से अगर आप कहें कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए शरीर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन शरीर एक वैकिल की तरह इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको आपकी तरक्की करना है, आपकी सक्सेस है, आपके लिए बेहतर इंसान बनना है, आपको अपने परिवार को आगे ले जाना है, आपको अपनी खुशियों को ढूंढना है, आपको अच्छी बुक्स पढ़ना है, आपको अच्छी जगह पर जाना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप बेस्ट भी बॉडी हो तो भी लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप गलत, चौथी चीज यह है कि आप गलत और फॉल्स वैलिडेशन से बाहर आए कि लोग आपकी बिना मतलब प्रशंसा करें। अगर ये आपका एक मकसद है तो ये बहुत छोटा मकसद है, आपके लिए लोग ताली बजाएंगे, आप बढ़िया काम करिए, आप बढ़िया चीजें दीजिए समाज में, अपनी लाइफ में बढ़िया चीजों को करिए। राजपाल यादव का अपना रोल है और अक्षय कुमार का अलग रोल है। ओमपुरी का चेहरा, अगर मैं कहता जी ओमपुरी ये कहने शुरू कर दे कि जी मेरा तो चेहरा सलमान खान जैसा होना चाहिए, या सलमान खान ये कहने लगे जी मेरी बॉडी नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसी हो, तो ये तो कभी पूरा ही नहीं होगा। तो इसके बाद एक चीज और भी है विशाल जी, जो लोगों में आजकल हमारे युवक और युवतियों को चाहिए, उनको बेसिकली एक कोपिंग मैकेनिज्म आना चाहिए। कोपिंग मैकेनिज्म का मतलब है कि अगर आपके पास समस्या आ भी गई है उसको कोप अप कैसे करें। मान लेते हैं ये सब चीजें मैंने बताई, लेकिन एक चीज और भी है कि आप कोपिंग मैकेनिज्म को हमेशा अपनी लाइफ में लाएं और अपने बच्चों को भी बताएं। मैं आपको छोटी सी अपना ही एग्जांपल देता हूं, जब मैं गांव से निकला इंटरमीडिएट करके, फिर गांव से बीएससी करी और मैं जब शहर में आया तो मुझे लगा कि यार मैं तो सबसे पिछड़ा हुआ आदमी हूँ, तो मैंने कोपिंग मैकेनिज्म को अपनाना शुरू किया। शायद मुझे मेरे माइंड ने मुझे बताया, या मैं किताबें पढ़ता था, मुझे कहीं से रेफरेंस मिल गया, तो मैंने ऐसे काम करने शुरू कर दिए जो मुझे यूनिक बनाते थे। मैंने ऑर्गन बजाना शुरू कर दिया, मैंने किताबें पढ़कर उन्हें लोगों को बताना शुरू कर दिया, मैंने इंग्लिश के नॉवल पढ़ने शुरू कर दिए, ठीक है ना, मैंने इंग्लिश का चंपक पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने कुछ गेम्स को खेलना शुरू कर दिया ताकि मैं लोगों के साथ मिक्सअप होना शुरू करूं, और मुझे जो मेरे कॉम्प्लेक्स था वो धीरे धीरे खुलना शुरू, निकलना शुरू हो गया जब लोगों ने देखा
कि मैं तो यूनिक हूँ। तो आप अपने यूनिकनेस को ढूंढे, इसी रूप से मेरा शरीर ऐसा होना चाहिए था, आप अपनी यूनिकनेस के लिए काम करें। एक और सवाल अब यहाँ पर जुड़ जाता है कि मान लीजिए आपने जैसा बताया उसका इस्तेमाल ठीक ठीक करते हुए कोई आदमी इस प्रॉब्लम से बाहर आ भी गया, लेकिन वो फिर एक बार इस ट्रैप में नहीं फंस जाएगा, उसके लिए क्या करना है? क्योंकि सोशल मीडिया आपके पास हर रोज है, हर रोज आदमी 4 से 5 घंटे स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा है और कहीं ना कहीं उसे ये सारी चीजें हर समय अफेक्ट कर रही हैं, हर समय उसे फोन में से निकल के प्रोडक्ट्स या इन्फ्लुएंसर ये बता रहे हैं कि आप जैसे हैं वैसे नहीं, कुछ और बन जाइए तो आप बेहतर होंगे। ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, एक बार मैं बाहर आ गया फिर इस ट्रैप में ना फंस जाऊं तो क्या करूं? वेरी ट्रू। ये जो बार बार हमारी हैमरिंग हो रही है ना, हमें रेफरेंस मिल रहा है, ये बहुत ही आप ये समझिए इसे दो तरह से ले सकते हैं हम विशाल जी। मान लेते हैं कोई बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, मेरे मान लेते हैं मैं एक ट्रेनर हूं और मेरे से बहुत ज्यादा कोई अधिक आगे बढ़ गया है, तो यहाँ से दो चीजें होंगी लाइफ में, या तो मैं इस रेफरेंस को ये लूंगा कि मैं पीछे रह गया हूं, या इस सिचुएशन को मैं ये लेकर अपने आप को पॉजिटिव कर सकता हूं कि मार्केट इतना बढ़ रहा है कि मेरी भी जगह है। यानी कि जो भी रेफरेंस आपको मिल रहा है वह दो तरह से आप ले सकते हैं, या तो वो आपको डिप्रेस करे या आपको मोटिवेट करे। अगर मुझे ये लगता है कि मेरे से बढ़िया कोई बॉडी लेकर पर्सनालिटी लेकर कोई आदमी जी रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास भी दो ही तरीके हैं जीवन को जीने के। या तो मैं फिर एक बार फिर इसी थॉट में चला जाऊं कि यार मेरे पास एक अच्छा शरीर नहीं है, एक अच्छा पर्सनालिटी नहीं है बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिजिक अच्छा नहीं है, और मैं डिप्रेशन में चला जाऊं। और ये होगा भी, कई बार थॉट आएगा, लेकिन उसी समय अगर आप थोड़ा सा भी सेल्फ रियलाइजेशन में अगर इन्वॉल्व हो गए, तो उस समय याद रखिएगा आप उसके सिर्फ एक चीज से प्रभावित हैं, दैट इज कॉल्ड हिज बॉडी, दैट इज कॉल्ड हिज लुक और हर लुक। लेकिन अगर मैं उसी समय कुछ ऐसी चीजों को अपनाना शुरू कर दूं जो मुझे यूनिक बना रही है उस व्यक्ति से, तो अब मेरा लुक बिल्कुल, अब इसके ऊपर जो मेरा गुस्सा है वो गौण हो जाएगा, वो निगेट जीरो हो जाएगा। इतना ही नहीं, कई बार यही आपके लिए एक मोटिवेशन हो सकता है कि भाई मैं एक इतनी बढ़िया किताब पढ़कर उसकी वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब पर चलाऊंगा कि वो आदमी जिसको मैं देखकर डिप्रेशन में जा रहा था वो मेरी बात को सुनकर मोटिवेट हो जाए, वो मुझे कहने लगे कि यार ये आदमी कितना अच्छा है या कितना इंटेलिजेंट है। आप यूं समझिए कि हर एरिया में आप हर एक आदमी को कम्पीट नहीं कर सकते, हर एरिया में हर आदमी को आप कम्पीट नहीं कर सकते। कुछ एरिया में कुछ लोग आपको कम्पीट करेंगे। मैं NLP बहुत अच्छी पढ़ा सकता हूं, पर मैं कथक नहीं जानता। मैं लोगों से बात करके उन्हें काउंसलिंग देकर उनको हील कर सकता हूं, पर मैं आई स्पेशलिस्ट नहीं हूं। लेकिन एक आई स्पेशलिस्ट आई सर्जरी कर सकता है, बट जरूरी नहीं है कि वो कथक भी जानता हो या एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो। आप अपनी जगह पर यूनिक बनिए, वह यूनिकनेस आपको एक नई सेल्फ इमेज देगी। वह सेल्फ इमेज बेसिकली आपका सबसे बड़ा सेट है, उसको उसके साथ जीना शुरू करिए। यही इसका सिर्फ एकमात्र तरीका है। यानी कि जिन लोगों को देखकर आपको डिप्रेशन हो रहा है, उन्हीं लोगों को देखकर आप मोटिवेट हो सकते हैं कि ये लोग कल मेरे फैन बने, कल आपका ही रोल मॉडल आपका फैन बन जाए। विशाल जी, इससे बढ़िया दिन क्या होगा? बिल्कुल, इससे बढ़िया मोटिवेशन भी क्या होगा, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। नेगेटिव बॉडी इमेज, अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो इससे प्रैक्टिकल और इससे सरल कोई सोल्यूशन हो नहीं सकता जो राम वर्मा जी ने आज हमारे साथ शेयर किया है। जिंदगी जियो जी भर पार्ट 1 यहां समाप्त होता है, लेकिन इसे समाप्त करने से पहले राम वर्मा जी से हम जानेंगे कि आने वाले दिनों में कौन कौन से वो टॉपिक्स होंगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही आपके सामने वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप जूझ रहे हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। राम सर, अगला टॉपिक हम रखेंगे बढ़ता हुआ डिप्रेशन यंग लोगों में, यानी कि हमारे यूथ में जो डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, हम इसके ऊपर अगला प्रोग्राम लेंगे। तो मैं सभी लोगों से कहूंगा कि जो हम ईमेल आपको दे रहे हैं, उस ईमेल पर अपनी ईमेल लिखिएगा, क्या आपको भी ऐसी कोई समस्या है, तो हम आपकी
इस समस्या को लेंगे और कोशिश करेंगे कि हम पूरी तरह से आपको उस चुनौती से निकालें। इतना ही नहीं, आपको बहुत सारे लोग हर्ट करते हैं तो कैसे बाउंड्री सेट करें अपनी लाइफ में, मैं इसकी भी बात करूंगा। आज हमने एक शब्द लिया है कि कैसे हमारे न्यूरॉन्स हमारे अंदर केमिकल निकालते हैं, हमारी ब्रेन सेल्स कैसे हमारी बॉडी में केमिकल्स निकालते हैं और हमें या तो डिप्रेस कर देते हैं या हमें रोताजा कर देते हैं, इनके ऊपर भी लेंगे। यानी कि हम और हम ऐसे टॉपिक भी लेंगे जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, पैसे का माइंडसेट है, सक्सेस का माइंडसेट है, लीडरशिप भी है, बीमारियां हैं और जितने भी हमारे इमोशनल इशू हैं, मैं और विशाल जी आपको बताते रहेंगे। और आपसे हम चाहेंगे कि आप भी अपनी कोई भी स्टोरी आपके पास है, कोई चाइल्डहुड की अब्यूज है, जो कोई चाइल्डहुड का मसला है, कोई ग्रीफ है, अगर आप चाहते हैं कि हम उनके ऊपर भी आपके लिए प्रोग्राम करें तो हम करते रहेंगे। जिंदगी जियो जी भर पार्ट वन में इतना ही, लेकिन एक बार फिर से नोट कर लीजिए ईमेल आईडी जो आपके स्क्रीन पर है और इसके जरिए अपनी प्रॉब्लम्स हम तक पहुंचाइए। और हमारा वादा है कि इस कार्यक्रम में आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी चुनौतियों का समाधान आपको राम वर्मा जी के जरिए मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राम सर हमारे साथ जुड़ने के। और बहुत जल्द एक नए मुद्दे के साथ होगी मुलाकात। श्योर, धन्यवाद।